और इस समय की सबसे बड़ी खबर अल्पेश यादव से जुड़ी हुई। आपको बता दें अल्पेश यादव से पूछताछ की जा रही है और देर रात ही अल्पेश यादव को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। सबसे पहले टाइम्स ऑन अखबारत पर जान लीजिए और 2 घंटे की पूछताछ में काफी कुछ बातें इस बीच सामने आई हैं। देर रात 2 बजे पुलिस ने अल्पेश यादव से पूछताछ की। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, रात 2 बजे सेक्टर 20 के थाने पहुंचा था अल्पेश यादव। वो सेक्टर 20 का थाना जहां पर इस पूरे मामले को ट्रांसफर किया गया। बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे कि अल्पेश यादव रात को 2 बजे पहुंचा था और उसके बाद 2 घंटे तक अल्पेश यादव से पूछताछ हुई है। किन बातों को लेकर, किन सवालों के जवाब अल्पेश यादव ने दिए, पुलिस कौन सी बातें अभी सामने रखती है, देखने वाली बात है। अनुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, ये सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में, कहा जा रहा है अल्पेश यादव रात को 2 बजे सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देर रात उनके पहुंचने की बात सामने आ रही है जिसमें अल्पेश यादव से करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई थी। जाहिर तौर पर अल्पेश यादव को नोएडा पुलिस ने नोटिस दिया था और 3 दिनों के आने के लिए, उनसे पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके बाद कल जिस तरीके से, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अल्पेश यादव को ये पता था कि कहीं ना कहीं मीडिया का जमावड़ा होगा, मीडिया के सवालों का जवाब उनको देना होगा और इसी वजह से देर रात गुपचुप तरीके से अल्पेश यादव नोएडा पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने सवालों का जवाब दिया है। हालांकि इस बाबत ये भी बताया जा रहा है कि अभी अल्पेश यादव को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी कई ऐसे सवाल हैं और खास तौर पर अभी राहुल से भी पूछताछ होनी है। ऐसे में राहुल से पूछताछ करने के बाद एक बार फिर से अल्पेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक कहा जा सकता है कि अल्पेश यादव की अभी मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि अभी राहुल से सवाल जवाब करना है जो हमारे। बिल्कुल अनुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑन अखबारत पर हम आपको बता रहे हैं, अनुज मेरे साथ ही मोहित भी लगातार बने हुए हैं। अनुज की एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन अल्पेश यादव पर आप जान लीजिए, कल देर रात 2 बजे अल्पेश पुलिस के सामने पेश होते हैं। नोएडा की सेक्टर 20 थाने पर पहुंचकर 2 घंटे तक पूछताछ की जाती है। सबसे पहले टाइम्स ऑन अखबारत बड़ा खुलासा कर रहा है। मोहित, हम भी इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। मोहित, बड़ी तैयारी की गई थी, माना जा रहा था कि जब अल्पेश से पूछताछ की जाएगी तो लंबी सवालों की फहरिस्त है। किन किन सवालों का सामना करना पड़ा होगा और क्या आने वाले वक्त में अल्पेश की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, बीती रात रात के अंधेरे में करीब रात को 2 बजे अल्पेश यादव जो है सेक्टर 20 थाने पहुंचे थे और वहां पे एक टीम ने अल्पेश यादव से गहन पूछताछ की है। पूछताछ के लिए पहले से ही सवाल तैयार थे, क्योंकि जब नोटिस अल्पेश को दिया गया था उसी दौरान टीम ने अपने सवाल तैयार कर लिए थे। सबसे पहला सवाल था कि राहुल से आपकी मुलाकात कैसे हुई, राहुल को आप कैसे जानते हैं, क्योंकि राहुल ने ही आपका नाम लिया और आपके नाम के बाद वो एकदम से वो डाउन हुआ। उसने रेट लिस्ट जो है वो बताई कि अल्पेश को भी हमारे रेट पता है कि 31,000 हमारा हम लेते हैं। और उसके बाद जो मेन सवाल था कि रेप पार्टी जो होनी थी नोएडा के अंदर, जिसका जिक्र हो रहा था, उसमें आपकी भूमिका क्या थी, क्या आपको इस रेप पार्टी के बारे में पता था? और जो आरोपियों ने बताया है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरियाज के अंदर जो रेप पार्टी करते थे, जहां पे सांपों को भेजा करते थे, सांपों का जो विष है उसको दिया करते थे, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या दिल्ली और जो दिल्ली के आसपास की रेप पार्टी हो रही है उसमें आप जाया करते थे? अल्पेश यादव मामले पर ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अल्पेश यादव भाग रहा था, लेकिन उसके पहले उसकी पूछताछ हुई है। वो सेक्टर 20 के थाने नोएडा में पहुंचा और जहां उससे रात को 2 बजे 2 घंटे तक पूछताछ हुई। अल्पेश यादव से पुलिस ने पूछताछ की, किन सवालों की फहरिस्त थी, क्या सवालों के जवाब दिए गए, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत आपको इस मामले में जो जानकारी दे रहा है वो ये कि नोएडा के सेक्टर 20 में रात 2 बजे अल्पेश यादव पहुंचा था और यहां उससे 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सबसे खास बात ये कि ये भी जानकारी बीच में आई कि अल्पेश दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने वाला है, मुंबई में अपने काम में वो व्यस्त हो जाता, ये कहा जाए कि क्या वो पुलिस की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह से पूरे मामले पर एक के बाद एक जांच सामने आ रही है, उसमें कई बातें सामने आती है। सबसे पहले टाइम्स ऑन अखबारत आप तक पहुंचा रही है बड़ी खबर, अल्पेश यादव से पूछताछ हुई देर रात। ये पूरे मामला दर्ज होने के बाद में पहली मर्तबा था जब अल्पेश यादव पुलिस के सामने पेश होकर बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचा और पुलिस ने भी बड़ी
सवालों की फहरिस्त तैयार की थी। मोहित ओम लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं। मोहित, ये भी माना जा रहा था कि जो मुख्य शिकायत करता है उन्हें और एल्विश को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि कई बड़े आरोप लगे। एल्विश कह रहे कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या जल्द ही अब दोनों को सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है? देखिए, जो शिकायत करता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो आरोपी जिनकी आज रिमांड ऑर्डर जो है वो पुलिस के पास आना है। अगर वो रिमांड पे आज बाहर आ जाते हैं, पुलिस को रिमांड पे मिल जाते हैं, तो उनसे बिठा के भी एल्विश की पूछताछ हो सकती है। एल्विश को पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस कब दिया गया इस बारे में अभी नोएडा पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन एल्विश से देर रात जब पूछताछ हुई है उसमें तमाम वो सवाल है जिन सवालों को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे कि एल्विश को इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस के पास स्पेसिफिक इनपुट है। जो शिकायत करता था उन्होंने शिकायत में बताया है कि एल्विश के बारे में जो आरोपी हैं वो अच्छे से जानते हैं, और जब शिकायतकर्ता उन्हें एल्विश का नाम लेकर रेट लिस्ट तय करनी चाहिए थी तो आरोपियों ने वो रेट लिस्ट बताई थी और बताया था कि एल्विश इस रेट लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो तमाम सवाल जो एल्विश से पूछे गए हैं, खासकर से विदेशी लड़कियों के बारे में, कि दिल्ली और राजस्थान की फार्म हाउस में जो रेप पार्टी होती थी वहां पर जो विदेशी लड़कियां आती थी उन विदेशी लड़कों को कौन लाता था, सवाल है जिस पर इन्वेस्टिगेट किया गया होगा। ये बड़ी खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को बता रहा है। मोहित, बहुत जल्दी से एक बार फिर से जरा बताइए, क्या सवाल, क्या क्वेश्चनर सामने था एल्विश यादव के? क्योंकि एल्विश यादव के ऊपर ये आरोप बहुत समय से लग रहे हैं, पुलिस ने जाहिर बात है अपनी इन्वेस्टिगेशन की होगी, लेकिन जब सामने एल्विश यादव पुलिस के सामने बैठे होंगे, कौन सा क्वेश्चनर होगा उनके लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल राहुल को लेकर था, जिस राहुल से पीएफए के कर्मचारियों की बात हुई थी, पीएफए के जो लोग थे उनकी बात हुई थी, राहुल ने एल्विश का नाम पहचाना था और एल्विश के बारे में बात की थी और रेट लिस्ट के बारे में बताई थी। दूसरा सवाल ये सांपों के साथ जो और लोगों की फोटोज हैं, जो वीडियोस हैं, उन लोगों को क्या एल्विश जानते हैं या नहीं जानते? रेप पार्टी जो नोएडा में होनी थी, वो रेप पार्टी के बारे में राहुल एल्विश की क्या भूमिका है? दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में जो फार्म हाउसेज हैं वहां पर जो रेप पार्टी हो रही थी उसमें विदेशी लड़कियां कहां से आती थी? वेमन के बारे में बात हुई है कि वेमन का प्रयोग कैसे किया जाता था, क्योंकि सांप का जहर अपने आप में बेहद खतरनाक होता है, इसको कैसे आप लोग प्रयोग करते थे, क्या एक ड्रग्स के रूप में लिया जाता था, और जो वहां पर ड्रग्स आती थी उन ड्रग्स की सप्लाई कहां से होती थी? तो एल्विश से इन सारे बातों के बारे में पूछताछ की गई है। और अब सबसे बड़ी बात जो है कि आरोपियों के ऑर्डर जो है वो पुलिस के पास आएगा, और पांचों आरोपी जब बाहर आएंगे, खासकर से राहुल, उससे एल्विश के बारे में पूछा जाएगा, और फिर एल्विश को दोबारा बुला के राहुल और एल्विश के आमने सामने बिठा के पूछताछ की सकती है नोएडा पुलिस। जी, ये बहुत अहम हो जाता है। आपने बताया कि किस तरह से स्पेशली राहुल को लेकर सवाल जवाब किए गए और क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए दोनों को आमने सामने बैठाया जा सकता है। हालांकि दोबारा कब बुलाया जाएगा एल्विश को, फिलहाल इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, जल्दी उस पर भी जानकारी होगी। लेकिन मोहित, कल जब एल्विश देर रात यहां पर पहुंचे थे, थाना 20 पहुंचे थे नोएडा के, एल्विश के साथ उस समय कौन कौन मौजूद था, क्या ये जानकारी मिल पाई? इस बीच जब शिकायत दर्ज हुई उसके बाद में एल्विश कहां कहां पर रहा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जब नोएडा पुलिस हम लगातार पूछ रहे थे कि जब एल्विश का नाम अपने एफआईआर में डाला है तो एल्विश को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, क्यों नहीं उससे पूछताछ की जा रही है, क्यों पांचों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं ली गई है, तो पुलिस का कहना था जो एल्विश का रोल है उसको हम पूरा वेरीफाई कर रहे हैं, जब एल्विश के बारे में हमें साफ मिल जाएंगे, तथ्य मिल जाएंगे, तो हम उसको पूछताछ के लिए बुला लेंगे। एल्विश हमारे रडार पे और हम जब चाहेंगे तब उसको पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। और हुआ भी ऐसे ही, कल दोपहर में एल्विश को ऑर्डर दिया गया पूछताछ के लिए और देर रात एल्विश पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस के साथ उन्होंने 2 घंटे की पूछताछ में सहयोग करा। और एल्विश लगातार अपनी वीडियो मुझे कह रहे थे, मैं कहीं नहीं भागा हूं, जब पुलिस मुझे बुलाएगी और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और पूछताछ के लिए उनके सामने जाऊंगा, और कल ऐसे ही हुआ। हालांकि अब नोएडा पुलिस का कहना है कि आप जो आरोपी हैं उनकी और एल्विश की पूछताछ जरूर आमने सामने बिठा के की जाएगी, तभी और जो बातें हैं वो साफ निकल के सामने आएंगी। हालांकि एल्विस ने अपनी पूछताछ में क्या जवाब दिए हैं पुलिस के क्वेश्चनर के सामने, जो क्वेश्चनर आपको बताया उस बारे में अभी नोएडा पुलिस थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है या उनके कोई बड़े अधिकारी मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जब एल्विस को कब बुलाया गया इस बारे में नोएडा पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एल्विस से लगातार पूछताछ होगी, क्योंकि आरोपी अभी रिमांड पर आएंगे, उनसे पूछा जाएगा सांपों को कहां से लेकर आए थे, और जो सांपों की जो ग्रंथि, विष ग्रंथि है वो निकाली गई है, जो अपने में बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा अपराध है, उसके लिए 7 साल की सजा है। ये खबर सामने आ रही थी कि एल्विश यादव हो सकता है काम के बहाने मुंबई चले जाएं, तो क्या नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ रुकने के लिए कहा है, क्या किसी तरह के कोई निर्देश दिए गए आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एल्विश यादव को? देखिए, अभी नोएडा पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो नोएडा सेक्टर 20 थाने के सूत्र हैं, उन्होंने बताया कि देर रात एल्विश यहाँ पहुंच
पहुंचा था, लोगों ने उसको देखा है, वहां पे उससे पूछताछ की गई है। बकायदा पुलिस की एक बड़ी टीम वहां बैठी थी जिन्होंने 2 घंटे उससे पूछताछ किया, एक एक बार एक एक सवाल के जवाब लिए। जो सवाल लगातार हमारे साथ में इस समय हमारे साथ में शिकायतकर्ता सौरभ जुड़ रहे हैं, पीएफए एक्टिविस्ट हमारे साथ में। सौरभ स्वागत है टाइम्स ऑन भारत में आपका। अब कल एल्विस यादव से देर रात लंबी पूछताछ हुई है, देर रात बुलाया गया है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हालांकि पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है एल्विस को। देखिए, ये एक जानकारी जो हमें हमारे पास आई थी उसके आधार पे हमारा शिकायत दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने भी पूरी मदद करी थी। अब अगर छोड़ दिया गया है तो हो सकता है कि पुलिस को कोई ठोस पर्याप्त साक्ष्य ना मिले हों या जो भी है, वो तो देखिए पुलिस ही बता सकती है। बाकी हम किसी कंप्लेंट के आधार पर हम भी ये नहीं कहते कि वो व्यक्ति दोषी होगा, लेकिन हाँ ये है कि जो डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर में और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से आई थी और जो इनके वीडियोज सोशल मीडिया पर भी थे, तो उससे तो देखिए हमें ये कंफर्म था उस समय कि एल्विस यादव नाम के व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो बाकी देखिए आगे पुलिस की जांच चली रही है, पुलिस इसके अंदर क्या साक्ष्य जुटाती है, क्या है, वो सब तो देखिए जांच के बाद ही पता चलेगा। सौरभ जी, लेकिन एक चीज और बताइए, क्योंकि अब तक इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों का रोल बहुत अहम रहा है क्योंकि आप शिकायतकर्ता हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह के क्वेश्चनेयर पुलिस ने आपके सामने रखे और कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो पुलिस के लिए एल्विस यादव से जानना जरूरी? देखिए बेसिकली मेन बात यह है कि जो राहुल यादव नाम का जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है जी, इससे और जिसका भी इसने नाम लिया है, जो भी हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि देखिए बाद में कोई क्या नाम लेता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जिस समय जब ये हमने इसे डिकॉय कस्टमर वन के बात करी थी तब इसने ये सारे भेद सारे राज खोले थे। अब उसमें क्या निकल के सामने आया और क्या चीजें हैं, देखिए ये तो मैं अब पुलिस ही बता पाएगी, ये तो पुलिस की जांच का विषय है जी। और क्योंकि पुलिस लगातार हमसे भी टच में बनी हुई है हर चीज में, तो जो भी साक्ष्य थे हमारी तरफ से, जो भी यानी कि आप लोगों ने वो ऐसे तमाम सबूत जरूर पेश किए जो आपके अनुसार बहुत पुख्ता कर देते हैं एल्विस यादव के इस रोल को। कल देर रात पूछताछ हुई है एल्विस यादव से, हालांकि कल छोड़ दिया गया, दोबारा बुलाया जा सकता है। सौरभ, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कल देर रात एल्विस यादव इस कोतवाली सेक्टर 20 नोएडा के इस थाने पे पहुंचे, यहाँ पर बयान दर्ज कराए गए और लगभग 2 घंटे तक पूछताछ यहाँ पर पुलिस कर्मियों की टीम की तरफ से एल्विस यादव से की गई। 2 घंटे की पूछताछ के बाद में एल्विस वहां से चले गए। आप ये बात को समझिए जरा, देर रात एल्विस का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में ये समझ में आ जाता है कि एल्विस शायद मीडिया से बचना चाहते हैं और एल्विस गुपचुप तरीके से पूरे मामले में अपने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे। माना जा रहा है कि कल भले ही एल्विस को यहाँ से छोड़ा जा चुका हो पूछताछ के बाद में, लेकिन जल्द ही दोबारा यहाँ पर पूछताछ के लिए एल्विस यादव को नोएडा पुलिस बुला सकती है। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत ने आपको इस खबर पर बताया, एल्विस यादव पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हो चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह था कि अब तक एल्विस यादव से पूछताछ क्यों नहीं। हमारे साथ अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जो जानकारी मिल रही है दोबारा एक बार फिर से एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर और आगे जारी रहेगी, क्या अपडेट को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी राहुल का बयान दर्ज करना है और पुलिस अधिकारी का ये भी कहना है कि राहुल के सामने भी बैठाकर एल्विस यादव से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि राहुल ही इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। और जिस तरीके से पार्टियों में सांपों को ले जाने का काम जो है राहुल करता था, तो ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या राहुल एल्विस के कहने पे ही सांपों को ले जाता था, उसके जहर को ले जाता था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि अगर पार्टियां होती थी तो कहां कहां होती थी और उन पार्टियों को ऑर्गेनाइज कौन करता था। तो ऐसे में राहुल इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। राहुल की पूछताछ के बाद उसके बयानों के आधार पर भी एल्विस यादव से पूछताछ करनी है। निश्चित तौर पर जो नोटिस नोएडा पुलिस के द्वारा दिया गया था उसमें साफ तौर पर 3 दिन के अंदर अपने बयान को दर्ज कराने की बात कही गई थी। शुरुआती बयान जरूर एल्विस यादव ने दर्ज कराया, क्योंकि नोएडा के मामले की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर नोएडा के मामले में एल्विस यादव डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एल्विस डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह की बार बार जिक्र हम कर रहे हैं कि कल जब एल्विस पुलिस के सामने पेश हुए तो एल्विस से आखिर किन
किन तरहों के सवाल पूछे गए होंगे, किस तरह के सवालों का सामना एल्विश को करना पड़ा। सबसे अहम सवाल था कि राहुल से संपर्क कैसे हुआ। राहुल दरअसल वही की पर्सन है जिसके जरिए इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया गया था और वो एल्विश से कनेक्टेड था। ये सवाल पूछा गया कि आखिर राहुल को कैसे जानते हैं, कब मुलाकात हुई और राहुल और एल्विश के बीच में सांप और स्नेक वेनम को लेकर क्या अक्सर कॉल हुआ करते थे, क्या इस तरह की पार्टीज का आयोजन अक्सर एल्विश यादव कराया करते थे। ये वो सवाल है, एक्सक्लूसिव जानकारी सुन लीजिए। टाइम्स ऑफ भारत आपको बता रहा है, एल्विश यादव कल जब पुलिस के सामने पेश हुए तो किस तरह से सवाल पुलिस ने एल्विश से पूछे हैं और इन सवालों का जवाब एल्विश दे पाए या नहीं दे पाए। पुलिस आधिकारिक तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सकता है मीडिया के सामने आए तो सारी बातें आपके सामने रखेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एल्विश यादव को लेकर, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। एल्विश यादव से पुलिस ने 8 सवाल पूछे जिसका जिक्र नैना कर रही है, एक एक करके सवाल। सवाल नंबर 1, क्या आपका राहुल से संपर्क हुआ, कैसे हुआ, सबसे बड़ा सवाल पुलिस का इस बात को लेकर था। सवाल नंबर 2, क्या राहुल और आपके बीच में सांप और वेनम को लेकर कॉल हुआ करते थे, जैसा कि जो एनिमल्स के लिए काम करने वाली संस्था थी उसने दावा किया था। सवाल यही था। दूसरा सवाल नंबर 3, नोएडा में जिस रेव पार्टी की बात सामने आई उसमें एल्विश यादव की भूमिका क्या थी, ये सवाल एल्विश यादव से पूछा गया। सवाल नंबर 4, क्या रेव पार्टी में विदेशी लड़कियां भी आनी थी, अगर आनी थी तो वो कहां से आती हैं, ये सवाल पुलिस का था। तो ये बड़े क्वेश्चन आर जिसके जवाब शायद पूरा देश चाहता है, शायद एल्विश के जितने समर्थक है वो चाहते हैं। और इन सवालों को कल रात को 2 बजे जो पूछताछ हुई एल्विश यादव से, पुलिस थाने में उन सवालों को एल्विश यादव के सामने रखा गया। और अनुराग, जिन सवालों का जिक्र कर रहे हैं ये फेरिस यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, इस तरह के कुल 8 सवाल थे। सवाल ये भी पूछा गया जिस तरह से रेव पार्टीज की बात हुई, इन रेव पार्टीज में विदेशी लड़कियों के आने की बात हुई, और अगर इन रेव पार्टीज में अगर यहाँ पर लड़कियां आनी थी तो वो कहाँ से आनी थी। सवाल ये भी पूछा कि दिल्ली राजस्थान के फार्म हाउस में रेव पार्टी जो हुआ करती थी, क्या उनमें एल्विश यादव भी शामिल थे। ये वो सवाल है जो टाइम्स ऑफ भारत आपको बता रहा है, ये वो सवाल है जो नोएडा पुलिस की तरफ से एल्विश से पूछे गए हैं। और टाइम्स ऑफ भारत लगातार पल पल की एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ में अनुज इस समय जुड़े हैं नोएडा से, मोहित ओम भी एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ में, और शिवानी भी मुंबई से इस समय हमारे साथ में है। शिवानी का जल्दी से एक बार रुक करते हुए, शिवानी ये भी जानकारी सामने आ रही थी कि एल्विश से पूछताछ तो होगी लेकिन कनेक्शन जो है वो मुंबई तक जुड़ेगा, क्योंकि कई और ऐसी यूट्यूबर्स, कई सेलिब्रिटीज हैं जिनका इस तरह की पार्टीज में इस तरह से एल्विश के साथ में नाम सामने आया, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है, कोई कनेक्शन हुआ है, मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया। बिल्कुल, देखिए फिलहाल अब तक मुंबई पुलिस से संपर्क नहीं किया गया है, लेकिन और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत आपको बता रहा है, एल्विश यादव को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, पुलिस ने आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। समय क्या है, कब एल्विश यादव पेश होंगे पुलिस के आगे, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, ऑथेंटिक एल्विश यादव को लेकर तमाम जानकारियां टाइम्स ऑफ नवभारत आपको बता रहा है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये कि पुलिस ने आज एक बार फिर से एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट ये, रात को 2 बजे सेक्टर 20 के थाने में एल्विश यादव 2 घंटे के लिए पूछताछ में शामिल हो चुके हैं। और अब खबर ये कि एल्विश यादव को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, एक बार फिर से बुलाया गया एल्विश यादव को, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्या पता चल पा रहा है कब बुलाया गया उन्हें, कब पेश होना है थाने में उन्हें। देखिए भी आधिकारिक रूप से पुलिस जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जरूर बुलाया जाएगा एल्विश यादव को दोबारा पूछताछ के लिए, क्योंकि आरोपियों की रिमांड जो है वह कल पुलिस ने मांगी है और आरोपियों के सामने एल्विश को बिठा के पूछताछ होगी तो तमाम जो फैक्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। जो आरोप एल्विश पे लग रहे हैं वो आरोप और ज्यादा निकल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं वो लगातार एल्विश का नाम ले रहे थे, जो पीएफए की तरफ से बात हो रही थी उन्होंने एल्विश का नाम लिया था, तो एल्विश को दोनों लोग जान रहे थे। पीएफए के पास जानकारी थी कि एल्विश जो है वो सांपों के साथ पार्टी करवाया करता है, वहां पे वेमन का इस्तेमाल होता है, और जो लोग सांप प्रोवाइड करते हैं वो लोग कौन है, उनसे जब पीएफए ने बात की तो एल्विश का नाम निकल के सामने आया। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एल्विश और आरोपियों की आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाए, जो शिकायत करता है उनके सामने लाके पूछताछ की जाए, तभी एल्विश का रोल जो है वो क्लियर हो पाएगा। और लगातार नोएडा पुलिस इस बात को कह रही है कि एल्विश के मामले में हम सभी तथ्यों को वेरीफाई कर रहे हैं और सभी फैक्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, इसलिए एल्विश को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, और कब बुलाया जाएगा इसके बारे में थोड़ी देर में आधिकारिक जानकारी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि ऑफिशियल लेवल पर ये इन्फॉर्मेशन दे दी, कल देर रात एल्विश पूछताछ के लिए पहुंचा और बाद में आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। टाइम्स ऑफ नवभारत आपको वो सवाल भी लगातार बता रहा है, कुल 8 सवाल कल
कुल 8 सवाल पूछे गए थे एल्विश यादव से कल देर रात पुलिस के माध्यम से, और ये बकायदा सवाल पूछे गए राहुल जिसका नाम है, राहुल से कब और किस तरह से मुलाकात हुई। सवाल ये भी पूछा गया कि इस तरह की जो तमाम पार्टियों के आयोजन हुआ करते थे उसमें एल्विश यादव की भूमिका क्या होती थी, क्या राहुल और आपके बीच सांप और वैनम को लेकर कॉल हुआ करते थे। अनुराग ये वो बहुत अहम सवाल हो जाते हैं। उन वीडियोस का भी जिक्र हुआ जिस तरह से शिकायतकर्ताओं की तरफ से बतौर सबूत पुलिस की तरफ से जो है पेश किए गए, उन वीडियोस के बारे में भी एल्विश से सवाल जवाब पूछे गए कि इन वीडियोस की सच्चाई क्या है। और देखिए हर जानकारी एल्विश यादव मामले पर सबसे पहले टाइम्स नाव भारत आपको बता रहा है। सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से सवाल एक एक करके विस्तार से समझिए। सबसे पहला सवाल आपका, राहुल से संपर्क कैसे हुआ, यानी कि पूछताछ राहुल सेंट्रिक थी, ये राहुल वही शख्स है जिसने एल्विश यादव का नाम लिया जो कि पीएफए के संपर्क में था। सवाल नंबर दो, क्या राहुल और आपके बीच में सांप और वैनम को लेकर कॉल हुआ करते थे, ये सवाल पुलिस का था। सवाल नंबर तीन, नोएडा में जिस रेप पार्टी की बात सामने आई है उसमें आपकी क्या भूमिका है, यानी कि एल्विश यादव की भूमिका पूछी गई। सवाल नंबर चार, क्या रेप पार्टी में विदेशी लड़कियां भी आनी थी, अगर आनी थी तो कहां से आनी थी। सवाल नंबर पांच, दिल्ली राजस्थान में फार्म हाउस वाली रेप पार्टी में क्या आप शामिल थे, ये एल्विश यादव से सवाल थे। सवाल नंबर छह, रेप पार्टी में कौन कौन लोग आते थे, किन किन लोगों को बुलाया जाता था। सवाल नंबर सात, आपके वीडियो में सांप के साथ जो लोग दिख रहे हैं वो कौन है, वीडियो में दिख रहे सांप को कौन लेकर आया था, ये सवाल पूछा गया एल्विश यादव से। और आठवां सवाल, वैनम का इस्तेमाल कैसे होता है, यानी कि जहर का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या रेप पार्टी में आए सभी लोग वैनम का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम वो सवाल थे जो कि एल्विश यादव के सामने रखे गए। सवाल ये है कि एल्विश यादव ने इनका जवाब कैसे दिया, इसको लेकर भी टाइम्स नाउ नवभारत एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल वो सारे सवाल हमने आपके सामने रखे जो एल्विश यादव से पूछे गए। और ये सवाल सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत को एक्सक्लूसिव बता रहा है कि किस तरह से एक के बाद एक ये सवाल दागे गए पुलिस की तरफ से एल्विश यादव के सामने। लेकिन बड़ा सवाल मोहित ये है कि क्या जिस तरह से तमाम सवाल जो पूछे गए हैं, क्या उन सवालों के जवाब एल्विश यादव दे पाया, क्योंकि एल्विश लगातार इस तरह के तमाम वीडियोस जारी करते हुए ये दावा करता रहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरे ऊपर जो तमाम आरोप लगे वो पूरी तरह से गलत हैं, जिन रेप पार्टीज या फिर जो आरोप लगे हैं स्नेक बाइट्स के, स्नेक वेनम्स के, उनसे तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एल्विश अपनी वीडियो सामने ला रहे थे और लगातार ये बोल रहे थे कि मेरा इस घटना से कोई भी संबंध नहीं है, मैं इन आरोपियों को नहीं जानता हूं, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और मुझे फंसा के लोग अपनी जो इच्छाएं वो पूरी करना चाहते हैं और वो अलग तरीके से मुझे एक विलन के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तमाम वीडियो जो है एल्विश की वो पुलिस के पास में है। पुलिस ने उनसे जब सवाल पूछा कि सांपों को लटकाए लोग जो आपकी वीडियो में नजर आ रहे हैं लोग कौन है, ये सांप कहां से लाए गए, तो इन सवालों पे एल्विश को जवाब देना होगा और उन्होंने दिए भी होंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जो सवालों के जवाब जैसे आए हैं उसका थोड़ी देर बाद मीडिया से जाहिर किया जाएगा कि एल्विश ने उन बारे में क्या बताया है। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो सबसे एक्सक्लूसिव है, सबसे पहले और ऑथेंटिसिटी के साथ हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। शिवानी का बहुत जल्दी से रुख कर लेते हैं। शिवानी, क्या ये जांच की आज मुंबई तक पहुंच सकती है, क्योंकि इन आठ सवालों की फहरिस्त में एक सवाल ये भी था कि पार्टीज में कौन कौन लोग शामिल होते थे और उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे होता था इन पार्टियों में। बिल्कुल, देखिए लगातार मुंबई का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बिग बॉस ओटीटी की शूटिंग पूरी यहाँ पर हुई थी। जो सेलिब्रिटीज थे वो यहाँ गेट टुगेदर की पार्टीज कर रहे थे, मुंबई से सटे लोनावला के पास पार्टी कर रहे थे। और तीसरी अहम चीज़ ये हो जाती है कि कई सारे अहम एल्बम्स की शूटिंग जो है वो मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज में हुई है, जिसके बाद ये लोग एक साथ वक्त गुजारा करते थे। इसलिए जो इस पूरे केस की लपट है वो मुंबई में भी जरूर पहुंचेगी। हालांकि एल्विश से पूछताछ होगी, जो लोग उनके साथ इस पार्टी के वीडियोस में मौजूद नजर आ रहे थे उनसे पूछताछ होगी, और उसके बाद कहा जा सकता है कि नोएडा पुलिस की एक टुकड़ी जो है वो कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस का दरवाजा खटखटा सकती है शूटिंग की सारी डिटेल्स निकालकर कि वहां एल्विश के साथ साथ कौन मौजूद था, क्योंकि कई सारे एल्विश के करीबी दोस्त जो हैं जो मुंबई बेस्ड हैं लेकिन वो सभी अंडरग्राउंड है, बातचीत नहीं कर रहे हैं, और उनसे भी जानकारी खंगाली जाएगी कि आखिर वो वैनम केस में किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, क्या वो सप्लाई चेन में एल्विश के साथ थे या सिर्फ कंजम्पशन में एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, एज अ फ्रेंड मौजूद थे। इसलिए मुंबई के अलग अलग स्टूडियो, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस का किरदार भी अहम होगा पूरे मामले में। ठीक है, यानी कि ये जो छठवां प्रश्न था ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। लेकिन हमारे साथ में राकेश भी हमारे साथ में जुड़े हैं। राकेश, इस बीच कई और अहम लोगों के भी नाम सामने आए, कई यूट्यूबर्स, कई बिग बॉस के भी ऐसे कंटेस्टेंट्स रहे जिनकी इन्वॉल्वमेंट की बात कही गई, तो क्या माना जा रहा है कि जब
से पूछताछ होगी तो उन लोगों से भी संपर्क साधा जा सकता है क्योंकि कई तरह के इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, उन लोगों के भी नाम इस बीच सामने आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पे देखिए नैना, जब ये पूछताछ होगी, जांच होगी, तो ये जो पहली राउंड की इन्वेस्टिगेशन है इसमें जो बेसिक सवाल है वो पूछे जाते हैं और ये देखा जाता है कि जो आरोपी है वो कितना हद तक जो सच कह रहा है, किस हद तक वो सहयोग कर रहा है जांच एजेंसी को। उसके बाद में जो डिटेल्स बेसिक आती है उसके बाद जो गिरफ्तार आरोपी है उनके साथ पूछताछ करके दोनों ही बयानों को मेल किया जाता है। अगर वहां पे कहीं पे डिस्क्रिपेंसी आती है तो उन सवालों को दूसरे राउंड के लिए रखा जाता है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एलविश यादव जांच का दायरा बढ़ जाएगा। हो सकता है कि अभी तो एलविश यादव सवाल के लिए आए थाने, हो सकता है कई दूसरे नाम बीता हूं पर भी ये कार्रवाई पहुंचे। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। सर आज का सबसे बड़ा अपडेट ये, एलविश यादव कल रात 2 बजे रात में सेक्टर 20 के नोएडा के थाने में पहुंचा और दो से पूछताछ हुई। इस तरह की जब पूछताछ होती है खासतौर पर तब जब एफआईआर में नाम होता है तो पुलिस किस तरह के सवाल पूछती है और ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है पूछताछ? सर नमस्कार, माकूल सवाल। जब कभी कोई आरोपी थाने जाता है तो एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने जो तब तक उन्होंने साक्ष्य संकलन किया है बिंदुवार उनसे पूछताछ की जाती है और उसको लिपिबद्ध किया जाता है। मसलन अगर उनके बारे में ये आरोप है कि रेव पार्टी की, तो रेव पार्टी के इतिहास किसके कहने पे की, कौन लाभान्वित हो रहा था, निवेश कैसे किया, सोशल मीडिया पे कैसे गए, इनवाइटीज के लिए आपने क्या क्या इंतजाम किया, जो सपेरे आए थे एक ही वेशभूषा में और जो सांप लाए थे उसका अभिप्राय क्या था और किस उद्देश्य से आप लाए थे। नंबर 3, आपके सहयोगी कौन कौन है। आपने जो बताया कि यूट्यूबर से पूछताछ की जाएगी, जिन जिन लोगों का नाम एल्विश ले लेगा सहयोग देने में, मदद करने में, उन सबसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो प्रोसीड्स अगर लाभ हो रहा है उस लाभ के हिस्सेदार कौन थे और इसके अलावा किसके प्रेरणा से वो लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो एक धारा 120B आईपीसी की है, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उसमें कौन कौन शामिल है और जो अपराध के उपकरण है यानी मादक पदार्थ, सांप और सफेरे, इन सब का ताना बाना क्या था, ये पूछताछ का होगा और उसके फिर इनके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं कि ये वो तमाम सवाल है जिनका सामना एल्विश को कल करना पड़ा। आपसे आगे भी जुड़े लेकिन उसके पहले जल्दी से भावना का रुख कर लेते हैं जो इस समय नोएडा के सेक्टर 20 थाने से हमारे साथ में जुड़ रही है। भावना, कल लंबी पूछताछ हुई लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ पर एल्विश पहुंचे थे बयान दर्ज कराने के लिए, क्या कुछ जानकारी सामने आ पा रही है, क्या क्या सवाल पूछे गए और आज किस समय एल्विश को दोबारा बुलवाया जाएगा? बिल्कुल नैना, कल रात एल्विश यहां पर पहुंचे हुए थे, ये हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि थाना सेक्टर 20 यहीं पर एल्विश से करीब 2 घंटे पूछताछ हुई और उस पूछताछ में वही सवाल पूछे गए जो नव भारत लगातार पूछ रहा है कि क्या उस पार्टी, किस तरह की पार्टीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती थी, इसमें कौन कौन शामिल होता है। ये कई ऐसे बड़े सवाल हैं कि जो अगर बात करें सांप का जहर वो कहां से आता था। देखिए एल्विश की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरह से उन्हें कल नोटिस दिया गया और बोला गया 3 दिन के अंदर ये पूरी पूछताछ होनी है और कल एल्विश यहां पर पहुंचते और जिस तरह से नव भारत लगातार ये बात कह रहा था कि एल्विश की मौजूदगी दिल्ली में ही है, वो अपने दोस्त के वहां पर मौजूद है और वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, जैसा वो वीडियो में लगातार कह रहे थे। आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाते और बताते चलते हैं नैना कि यहां पर एल्विश यादव जो है वो कल पहुंचे हुए थे रात में और यहां पर पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद थी जिनसे 2 घंटे उन्होंने पूछताछ की। और देखिए बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में नोएडा पुलिस की तरफ से ये बयान भी जारी किया जाए या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी जाए कि किस तरह से एल्विश ने क्या क्या चीजें बताई है, क्या जवाब दिया है, क्या जिस तरह से एफआईआर में उनका नाम है, तो अगर नाम है तो क्या एल्विश भी इन चीजों में इन्वॉल्व थे, क्योंकि नोएडा पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि एल्विश यादव रडार पे है। कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य जुटाने की जरूरत है और हम एल्विश यादव से जल्द ही पूछताछ करेंगे। और देखिए कल ही नोएडा पुलिस ने जिस तरह से उन्हें नोटिस भेजा, एल्विश यादव यहां पर पहुंचते हैं और करीब 2 घंटे की पूछताछ होती है। अब देखिए आने वाले समय में यह भी बात कही जा रही है कि कभी भी दोबारा एल्विश यादव को यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, यानी कि कई ऐसे बड़े सवाल और होंगे। क्या वहां पर उनके सामने शिकायतकर्ता या फिर जिन लोगों ने एल्विश यादव के नाम दिए वो बैठ सकते हैं? क्या राहुल, जिस किरदार के बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्या वो हो सकते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? इस बीच एक बड़ी खबर और खबर यह है कि एल्विश यादव ने खुद को बेगुनाह बताया, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एल्विश यादव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 8 सवाल टाइम्स नाम नवभारत ने आपके सामने रखे।
अब जवाब के तौर पर समझिए एल्विश यादव क्या कह रहा है। एल्विश यादव ने खुद को पूछताछ में बेगुनाह बताया है। और अनुराग ये वही वाला बयान है जैसे ही जब लगे थे उसके बाद से बाकायदा खुद वीडियो जारी किए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब चैनल पर, और बार बार इन वीडियो मैसेजेस के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि मेरे ऊपर जो तमाम आरोप लगे वो सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। और वही बात जो है कल वो दोहराते हुए एक बार फिर से यहाँ पर नजर आए हैं मोहित, बार बार यही जोर एल्विश यादव की तरफ से कि भाई मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर जो तमाम आरोप लगे वो सब गलत है, लेकिन पुलिस के पास में ऐसे तमाम सबूत है और पुलिस ये पहले ही कह चुकी थी कि एल्विश को तब बुलाया जाएगा जब एल्विश का रोल एस्टैब्लिश हो जाएगा, तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, यानी कि पुलिस के भी पास में तमाम सबूत हैं अभी। मोहित हाँ जी बिल्कुल, देखिए एल्विश ने जब कल पूछताछ के दौरान अपने आप को बार बार बेगुनाह बताया, पुलिस के कई सवालों पर उसने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस पहले से ही राहुल के सीडीआर निकाल चुकी है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड राहुल के उनके पास है, उसमें देखा जाएगा कि उसमें कितनी बार एल्विश से बात की है या नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से एल्विश का नाम सामने आया, जो ऑडियो कॉल हमारे सामने आया था उसमें राहुल ने एल्विश को पहचाना था और बोला था कि एल्विश भाई जानते हैं कि हम कितने पैसे लेते हैं, तो उसकी उसी ब्याह पर जो वीडियो कॉल से वो जो ऑडियो कॉल की रिकॉर्ड है वो उसके जो डिटेल्स है वो पुलिस के पास है, उसके अलावा जो राहुल के फोन के अंदर जो टेक्निकल एविडेंस थे उनको भी पुलिस ने लिया है और देखा है कि क्या उसके अंदर कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने एल्विश से बात की है या नहीं की, ऐसी कोई फोटोज है जिसमें वो एल्विश के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, तो तमाम सबूत जो है वो पुलिस अभी इकट्ठे कर चुकी है और पुलिस अगली पूछताछ के अंदर एल्विश और राहुल को आमने सामने बिठा के उन सबूतों को रख सकती है, और एल्विश जो अपने को बेगुनाह बता रहे हैं तो उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिरकार जब आप राहुल को पहचानने से मना कर रहे हैं तो ये राहुल आपको कैसे जानता है, राहुल से आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो ऐसे कई सवाल थे जो रात को पूछे गए थे एल्विश से और आमने ने बिठा के भी इनको इनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब देखना है कि जो कोर्ट से ऑर्डर है वो कितनी देर में आता है और जो पुलिस रिमांड है इन पांचों आरोपियों की कब पुलिस को मिलती है और कितने दिन की मिलती है, और उस बीच एल्विश को दोबारा बुलाया जाएगा और उनके सामने पूछताछ की जाएगी, और पुलिस का ये कहना है कि हमने एल्विश को दोबारा आने के लिए कहा है, हालांकि एल्विश कल बीती रात जो पूछताछ हुई है उसमें अपने आप को बार बार बेगुनाह बता रहा है और कहा जा रहा है कि कह रहा है कि मुझे दर्शकों तक पहुंचाएंगे बहुत जल्दी से। विक्रम सर अगर आप समझा पाए किस तरीके से किस बिना पर इस तरह की पूछताछ के लिए इतने हाई प्रोफाइल केसेस में लोगों को बुलाया जाता है, और साथ ही साथ एल्विश यादव कह रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि एल्विश यादव खुद को बेगुनाह बता रहा है, लेकिन उसकी बेगुनाही उसकी जुबान से शायद काम ना कर पाए, इसके पीछे पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और हो सकता है कि बहुत गहराई में जब इन्वेस्टिगेशन जाए तो बहुत सारे नाम खुलकर सामने आए। निसंदेह ऐसा आरोपी ढूंढना मुश्किल है जो कहे कि हां मैं गुनहगार हूं, तो यह स्वाभाविक है कि एल्विश अपने को बेगुनाह कहे, उसको वकीलों की मदद भी मिलेगी और फिर वो कहे मैं बिल्कुल पाक और साफ हूं। वास्तविकता यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और आपने टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड्स की मैच, इसके अलावा अन्य जो उनके आरोपी हैं उनके बयान आते हैं वो सब बताएंगे कि आखिर सांप का इंतजाम कैसे हुआ, पैसे उसके बाद मनी ट्रेल बैंकिंग और बैंक के जो डिटेल्स है उसको जब खंगाला जाएगा, कॉल डिटेल्स के साथ साथ जो GPS मूवमेंट है, सहयोगियों के बयान, वो तमाम चीजें आती हैं जिसमें अकाट के तथ्य विवेचक और पुलिस प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर जितने भी ये तथाकथित जत्थे को बेगुनाह कहते हैं इनका गुनाह साबित के भी मन में है, क्योंकि देर रात एल्विश यादव से पूछताछ हुई। अक्सर हम देखते हैं पूछताछ के लिए बुलाया जाता है लेकिन रात के अंधेरे में क्या 2 बजे इस तरह से पूछताछ संभव है, आखिर इस तरह से लेट नाइट पूछताछ का क्या मकसद है? देखिए पूछताछ का कोई वैसे समय निर्धारित हो तो महिलाओं के लिए तो समय बिल्कुल निर्धारित है कि दिन के समय और उनके स्थान पर उनके निवास पर पूछताछ होती है, थाने में नहीं और रात में तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन सामान्य आरोपी में क्या मजबूरी थी या वो अकस्मात आ गए और कहा कि मैं एल्विस हूं और पूछताछ शुरू हो गई, ये एक संभावना है, लेकिन ये आप बेहतर होता कि अगर दिन में और निर्धारित समय के ऊपर वो जाते तो वो ज्यादा विश्वसनीय होता, लेकिन मैं इसमें कोई दोष पुलिस को इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये अगर आए हो सकता है ऐसे शातिर दिमाग के जो आरोपी होते हैं वो अपनी सुविधानुसार एकदम से थाने पहुंच जाते, कहते हैं मैं आ गया हूं, अब उनको न छोड़ा जा सकता है न गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उनके पास पुलिस के पास एक ही विकल्प रहता है कि उनसे वांछित पूछताछ करके ये हिदायत दे करके जब दोबारा आपसे पूछताछ करनी होगी लिख करके दीजिए आप किस पते पर फोन नंबर पर रहेंगे और अपने 2 जमींदार का नाम दे दीजिए, तो ये एक प्रक्रिया होती है।
ठीक है सर, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं शिवानी बहुत जल्दी से, क्योंकि मुंबई कनेक्शंस की बात लगातार सामने आ रही है। खबर ये भी थी कि अल्पेश यादव हो सकता है कि ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है इस बीच हो सकता है कि मुंबई चले जाए, तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए नोएडा पुलिस दोबारा पूछताछ जब करेगी एल्विश से, जब लोगों की सूची की जानकारी पूरी तरह से निकलेगी। लोनावला के अंदर हुई दो बार की पार्टियों का जब जिक्र कंफर्म किया जाएगा पुलिस द्वारा एल्विश के और एल्विश और एल्विश के दोस्तों द्वारा, तब ये संभवतः तय हो सकता है कि एक टुकड़ी पुलिस की यहाँ जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पार्टियां यहां हुई हैं तो यहां की सप्लाई चेन में किस तरह से लोग मौजूद थे, एल्विश किन लोगों से, किन तरीके के पेडलर से सारी चीजों को मुहैया कराते थे पार्टियों में, इन सारी चीजों की जानकारी ली जाएगी जिन जगहों पर ये पार्टियां हुई हैं वहां। ठीक है शिवानी, आपका दोबारा रुक करें, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। नोएडा पुलिस ने एल्विश से जो पूछताछ की, काफी अहम ये पूछताछ मानी जा रही है। डीसीपी और एसीपी लेवल के अफसरों ने कल देर रात एल्विश से पूछताछ की है। जैसा कि अभी विक्रम जी भी बता रहे थे कि इस तरह से एल्विश देर रात यहां पर पहुंचे, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ की। भावना ज्यादा जानकारी इस पर दे रही है। जी भावना, बिल्कुल, जिस तरह से नैना ये बड़ी खबर आ रही है कि पूछताछ में किस तरह के सवाल पूछे गए और जवाब एल्विश की तरफ से क्या दिया गया। अब जिस तरह से हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि सीनियर लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ यहां पर की है देर रात, जब एल्विश यादव यहां पर पहुंचे हुए थे, डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारी यहां पर मौजूद थे और पूरी टीम ने एल्विश के सामने कई सवाल ऐसे रखे और एल्विश ने बार बार एक ही चीज दोहराई कि वो निर्दोष है। जिस तरह से कई बार सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर के थ्रू उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। और जब कल वो यहां पर पहुंचे थे तो सीनियर लेवल के अधिकारी देर रात यहां पर मौजूद थे और वही सवाल पूछे गए। और आप वही बता दें कि अगर आपको हम तस्वीरें दिखाते जाए तो यहां पर हलचल काफी तेज है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है और यही बात कही जा रही है कि एल्विश जो है वो दोबारा पूछताछ में शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि नैना क्या राहुल भी मौजूद होंगे, क्या आमने सामने बैठाकर क्वेश्चंस किए जाएंगे, किस तरह की चीजें होंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एल्विश ने अपने को बार बार बेगुनाह बताया और कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि कल पूरी टीम मौजूद थी पुलिस अधिकारियों की, उनसे कई सवाल पूछे गए कि ये पार्टीज जो होती थी वो कब होती थी, कैसे होती थी, क्या बहुत बड़ा सर्कल इसमें है, कैसे कैसे चीजें सप्लाई होती थी, क्या आपके इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में है। तब एल्विश ने बार बार ये जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से राहुल के साथ उनके संपर्क, फोन कॉल्स और तमाम सारी चीजें हैं वो पुलिस खंगाल रही है और इसी के आधार पर अगली पूछताछ की जाएगी। जी नैना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भावना आपकी। मैं बहुत जल्दी से विक्रम सर का रुख कर लेता हूं। सर ये मुझे बताइए कि दो बड़े रैंक के अधिकारी, एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी अगर पूछताछ करते हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण पूछताछ होती है और फिर उसके बाद कार्रवाई को लेकर संभावनाएं किस तरह की बनती है? देखिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, पुलिस एक्ट में दिया है कि पुलिस अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है, जब अवकाश पे रहता है तो भी ड्यूटी पे रहता है। तो ये सामान्यतः जनता को अविश्वसनीय लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी कैसे रात को 2 बजे आ गए। अरे जब जरूरत हो पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन जिस स्तर के एसीपी डीसीपी अधिकारी अगर आए, ये दिखाता है कि पुलिस इसको किस स्तर की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और कोई भागने का रास्ता या कोई चूक नहीं करना चाहेगी। इसीलिए एसीपी डीसीपी स्तर के अधिकारी इनसे पूछताछ करने के लिए आए और इसके लिए मैं नोएडा पुलिस को बधाई दूंगा। ठीक है सर, यानी कि बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी पूछताछ की गई। अनुज भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, अब कल की पूछताछ में तो बड़े अधिकारियों ने बड़े बड़े सवाल दागे, लेकिन आज की पूछताछ कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि माना जा रहा है कि कई तरह की जो अभी मेडिकल रिपोर्ट्स है सांपों को लेकर भी वो सामने आई। इसके अलावा जो अभी आरोपी गिरफ्त में है उनकी भी रिमांड लेकर आज आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल, नोएडा पुलिस के अधिकारियों से जो थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज जो है उनको रिमांड मिल जाएगी, खासतौर पर राहुल और बाकी आरोपियों की। ऐसे में राहुल का बयान जो है वो दर्ज करना और राहुल के बयान के आधार पर भी एल्विश यादव से कई पूछताछ करनी है, क्योंकि निश्चित तौर पर राहुल इस पूरे मामले की अहम कड़ी है और राहुल ने एनजीओ सदस्य था जब उससे बातचीत किया था तो एल्विश यादव का नाम का जिक्र हुआ था। तो ऐसे में ये पता करना जरूरी है कि क्या जो पार्टियां हुई दिल्ली और राजस्थान में, खास
खासतौर पर जहां पर राहुल के जाने के सुराग जो हैं वो नोएडा पुलिस के हाथ में लगे हैं, तो क्या उन पार्टियों में एल्विश यादव के कहने पर ही राहुल गया और वहां पर वो सांपों को लेकर गया, उनके जहर को लेकर गया? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लेना अभी बाकी है। साथ ही साथ कल नोएडा पुलिस ने कई और सवाल पूछे, जैसे कि एल्विश की जो पीआर कंपनी है, जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है, उससे रिलेटेड सवाल जवाब किए गए। साथ ही साथ ये पता लगाया गया कि आखिरकार एल्विश यादव का पूरा रोल क्या था, राहुल से पर कब हुआ था, खासतौर पर राहुल से उनकी कब कब बात होती थी। ये ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नोएडा पुलिस ने लिया। हालांकि एल्विश ने बार बार ये कहा कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, वो बेकसूर हैं। अपने आप को एल्विश यादव ने कई बार बेकसूर बताया और ये भी बताया एल्विश यादव ने कि उन्हें कहीं ना कहीं फंसाने की कवायद की जा रही है और वो इस तरीके की किसी भी पार्टी का हिस्सा न थे और न इस तरीके की पार्टियों में वो शामिल होते थे। तो ये तमाम एक तरीके से कहा जा सकता है कि सफाई एल्विश यादव की तरफ से दी गई। लेकिन नोएडा पुलिस ने कल एल्विश यादव से सांपों के जहर को लेकर भी तमाम सवाल जवाब किए गए कि क्या वो ऐसी पार्टियों का हिस्सा रहे जहां सांपों के जहर को बतौर ड्रग्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिनका जवाब एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने कल जानने की कोशिश की। हालांकि अभी नोएडा पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि ज्यादा देर पूछताछ नहीं हो सकती, करीब 2 से 2.5 घंटे ही ये पूछताछ हो पाई। उसके बाद एल्विश यादव को दोबारा पुलिस ने कल इन्वेस्टिगेट किया, पूछताछ की। कब तक पुलिस खुद खुलकर सामने आ सकती है, ऑफिशियल तौर पर खुद सारी जानकारी दे सकती है? अनुज, अगर आप तक इन्फॉर्मेशन मिल पा रही हो तो जरा बताइए कि क्या पुलिस की तरफ से भी आज कोई जानकारी सामने आ सकती है? पुलिस ने लंबी पूछताछ की, पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जल्द आने की संभावना है? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो व्यस्त हैं क्योंकि जो 5 आरोपी हैं उनका रिमांड लेना बेहद जरूरी है और इसी वजह से थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बाबत आएगा कि आखिरकार एल्विश यादव से जो पूछताछ हुई उसमें क्या निकल कर सामने आया और अब आगे की उनकी प्रोसीडिंग क्या होगी, आगे की उनकी कार्रवाई क्या होगी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नोएडा के डीसीपी द्वारा खुद दिया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग सबसे अहम है क्योंकि जिस तरीके से राहुल का रिमांड इस पूरे मामले में बेहद जरूरी है उसको लेकर जो अधिकारी है वो प्रोसीडिंग में व्यस्त है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में बयान आएगा कि आखिरकार पूछताछ जो हुई उसमें क्या अहम बिंदु थे, क्या कुछ सवाल बिल्कुल अनुज अब ये देखने वाली बात है कि आज इन अन्य आरोपियों की रिमांड ली जाएगी और क्या एल्विश और उनको आमने सामने बैठा कर बातचीत की जाएगी। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, एल्विश यादव से पुलिस ने कल देर रात 2 घंटे तक पूछताछ की। नोएडा सेक्टर 20 थाने में पूछताछ हुई है। 8 घंटे 8 सवाल जो हैं इन 2 घंटों में पूछे गए हैं। डीसीपी एसीपी लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ की है। विक्रम सिंह जी समय हमारे साथ में है, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि एल्विश पर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और पूछताछ में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक बहुत बड़ा गिरोह, एक बहुत बड़ा रैकेट लंबे वक्त से एक्टिवली इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। सर, ऐसे केसेस में जो आरोपी हैं उनके लिए किस तरह से सजा का प्रावधान है, एल्विश की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं? इसमें देखिए, जो धाराएं लगी हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आईपीसी की धारा 120B और अन्य जो धाराएं लगी हैं इसमें 7 साल तक की सजा है। और जैसा कि मेडिकल और ये इनका जो परीक्षण हुआ है सांपों का, उसमें ये मालूम पड़ा कि विष ग्रंथियां निकाली जा चुकी थी जो कि क्रुएल्टी में या क्रूरता में श्रेणी में अपराध आता है। तो इसमें 7 साल तक की सजा का प्राविधान है। तो इसके लिए ये भी जरूरी होगा कि पुलिस जो विवेचना कर रहे हैं उसमें कोई चूक न छोड़े, इंडिविजुअल इंट्रोगेशन हो, फिर कलेक्टिव इंट्रोगेशन हो, उसके अलावा आवश्यकता अनुसार लाइट डिटेक्टर टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम चीजें संभव है। लेकिन जो आपने सही कहा, इस शातिर दिमाग की जो प्लानिंग है, बाहर की विदेशी लड़कियों को बुलाना, साफ सफेदों को एक तरह के कपड़े पहना करके उनको पेश करना, जनता को वरगलाना, उनके सपनों का निर्माण करना, मादक पदार्थों का सेवन करना और करवाना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें
हालांकि मैं 7 साल से बहुत सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में अगर एनडीपीएस एक्ट के ऊपर आ जाए तो जिसमें 10 साल तक की सजा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता हूं कि केवल सांप ले आए और वहां पर रेप पार्टी की। सर, आप जो बता रहे हैं तमाम पहलुओं पर जांच बहुत जरूरी है और आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल सर शुक्रिया आपका, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े रहेंगे इस पूरे मामले पर एक एक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। दोपहर 1 बजे एलविश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी है।